जय जोहर, स्वागत है आपमन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आपमन के संग प्रकाश। अब खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़बो। 3 साल ले बंद आरटीओ बैरियर ला दोबारा शुरू करे के विरोध ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रक ड्राइवर मन के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है करे रही से। फिर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सरकार के सलाहकार मन राज्य के वित्तीय स्थिति सुधारे के हवाला देके आरटीओ बैरियर खुलवा ही दीस और एक साथ ही एक बार फिर शुरू हो परिवहन विभाग के मनमानी। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सीमा में खोले गए आरटीओ बैरियर के विरोध ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कर दिए है। अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक वाला मन जसपुर जिला के लोदाम चेक पोस्ट में हार्न बजाओ सरकार जगाओ अभियान के शुरुआत करीन। आरटीओ चेक पोस्ट में दूसर राज्य ले अवैया ट्रक ले सीएफ शुल्क के नाम में 2000 ले 3000 तक के अवैध वसूली करे जाते। आरटीओ बैरियर खुले अभी 2 महीना ही हो पाए है और आरटीओ अधिकारी कर्मचारी मन के मनमानी खुल के आगू आवत है। खुलेआम वसूली अभियान चालू है। कोरोना महामारी के कारण सब व्यापारी मन के संगे संग ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मन भी मंदी के मार झेलत है। व्यवसाय में पहली से भारी नुकसान और अब आरटीओ वाला मन के अवैध वसूली से परेशान ट्रांसपोर्टर मन स्थानीय विधायक के नेतृत्व में परिवहन मंत्री से मिलके समस्या ले मुक्ति दिलाए बर ज्ञापन सौंपे है। स्थानीय विधायक ट्रांसपोर्टर मन के साथ तो देवत है, लेकिन जिहा ट्रांसपोर्टर मन अवैध वसूली से भारी परेशान है फिर विधायक महोदय एला छोटे मोटे समस्या कही के अपन पीछा छुड़ा नजर आईस। माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी के पास में, परिवहन मंत्री जी के पास में हम लोग का डेलीगेशन आया था। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग यहां पर हैं और कुछ मांगे थी जिनको लेकर, कुछ सुझाव थे जिनको लेकर हम लोगों ने मंत्री जी से समय लिया था और एक अच्छी चर्चा उनके साथ में हुई है। और ऐसा लगता है चर्चा के बाद में जो छोटी छोटी समस्या ट्रांसपोर्टरों की है उसका समाधान होगा। किस तरह की समस्या लेकर आते हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टरों से जुड़ी बहुत सारी समस्या है जो परिवहन विभाग से संबंधित है, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की। परिवहन मंत्री से मिल के ज्ञापन देने के बावजूद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ला सीएफ फंड के नाम ले वसूले वाला 2000 से 3000 रुपया के वसूली कब बंद होगी एकर जवाब में मंत्री महोदय सिर्फ आश्वासन दे के ट्रांसपोर्टर मन ला चलता कर दीस। जी की साइड से आश्वासन हमारे को मिला है कि गाड़ी वालों के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। अभी हमने जो हमारे साथ थोड़ी बहुत ही ज्यादती चालू हो गई थी वो रखे हैं हमने आके। इसमें कुछ क्या है, सीएफ के नाम से रसीदें काटी जा रही थी जिनके बारे में हमने मंत्री जी को आके बताया है और उन्होंने भी कुछ पता किया है कि कैसे कैसे काम चल रहा है। तो हमारे को आश्वासन दिया है कि हम एक मीटिंग करके इस सब की मीटिंग लेके इनको आदेश कर देते हैं, ऐसे कोई जाति नहीं करेगा गाड़ी वालों से। हाँ, वो बंद करने का आश्वासन दिया गया है। वैसे तो जब कांग्रेस विपक्ष में रही तो यही चेक पोस्ट के विरोध करे रही, फिर सत्ता में आवा थी अब चेक पोस्ट के जरिए मिलैया राजस्व के मोहला नहीं छोड़ पावा थे। खैर, राजनीति के यही खेल है। विपक्ष में रहत जेखर विरोध करे जाते वही ला सरकार बने के बाद लागू कर दिए जाते। आम जनता तो जैसे तैसे अपन जिंदगी काटबे करही। रायपुर ले परवेश खान की रिपोर्ट।